नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। गांव कुत्ताबड़ में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों ने निकाली रिवाल्वर। आरोपी और पुलिसकर्मी के बीच में हुई झड़प। मामला बढ़ता देख गांव के लोग हुए इकट्ठा। एलनाबाद बार एसोसिएशन के प्रधान रघुवीर सिंह जोशन की अध्यक्षता में वकीलों ने रानिया थाना प्रभारी को दी शिकायत। त्रिलोक सिंह के भाई ने ASI के खिलाफ दी है शिकायत। त्रिलोक सिंह के भाई बलकार सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर के यह मामला चल रहा है। रानिया थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर किया मामले को शांत। आप देख रहे हैं पल पल। रानिया से OP वर्मा की ये रिपोर्ट। धोखाधड़ी में दर्ज मामले को लेकर के कुत्ताबड़ में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पार्टी के साथ नोकझोंक के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा मौके पर पुलिसिया पिस्तौल निकालने को लेकर के मामला गर्मा गया। रानिया थाना प्रभारी ने बताया कि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति सिरसा ने पुलिस अधीक्षक सिरसा को एक पत्र जारी करके 28 फरवरी 2018 को जसपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी कुत्ताबड़ द्वारा दी गई एक CM विंडो के आधार पर कार्यालय ने जांच के मामले में मल्लेका प्राथमिक सहकारी समिति लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधन और प्रबंधक कमेटी द्वारा मिली भगत करके लाखों रुपए के पेड़ बिना विभागीय अनुमति के काटे गए और बिना अनुमति के बेच करके राशि का गबन कर लिया गया। कार्रवाई रजिस्टर में गलत प्रस्ताव डाल करके फर्जी हस्ताक्षर करके काफ़ी गबन मामले में निरीक्षण सहकारी समिति रानिया द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट कार्यालय में दी गई है। इसमें दोषियों के विरुद्ध कमेटी सदस्य दोषी पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध सदर थाना सिरसा में 9 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसी मामले को लेकर के मल्लेका चौकी इंचार्ज त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर गया था। अब देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। गले मत कुछ गलत हुआ है थोड़ी हुई है ना। और फिर आप इससे जांच ये भी जांच आप ये जांच करना चाहिए। गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडा करती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब की रखता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की रखता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की रखता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की रख भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खिलाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खिलाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोली मारो साठे होना उठे पिस्तौल कढाई पे ऑफिस में आने से पहले कैमरा और वो नीचे रखी आई हो, क्या खतरे है? हाँ जी सर, उस रंजिश से 3-4 साल से चली आ रही है। गांव के पूर्व सरपंच है श्रीमती स्वर्ण कौर, उसने गांव की करोड़ों रुपए के घोटाले कर रखे थे।
उसकी जांच में उसको दोषी पाया गया और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। उसके बाद उन्होंने, ये मेरे बड़े भाई साहब है त्रिलोक सिंह, पैक्स प्रधान है मल्लिका के, इन्होंने वहाँ ना पैक्स में एक नई बिल्डिंग बनाई जानी थी और एक गोदाम बनना था। उसके जहाँ गोदाम में बिल्डिंग बनने थे वहाँ पर नए वृक्ष, पुराने काफ़ी वृक्ष खड़े थे जी कुछ, वो इन्होंने प्रस्ताव डाल के कटवा दिए लीगल सिस्टम से। और ये वैसे तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी बागवानों को भी, और ये रंजिश का कारण गांव वालों ने इस हमारे खिलाफ सीए विंडो लगाई, और सी विंडो लगाने के बाद हमारे खिलाफ ज़बरदस्ती FIR दर्ज करवा दी, जिसमें पिछली ग्रीवियस कमेटी में दोनों पार्टियों को बुलाया गया था बेदी साहब ने, और दोनों पार्टियों की बातें सुनने के बाद इन्होंने FIR कैंसिल करने के भी आदेश दे दिए थे। लेकिन कल फिर इन्होंने ग्रीवियस कमेटी में दोबारा फिर इस मामले को उछाला, और राजनीतिक प्रेशर के आगे कृष्ण बेदी साहब और बेनीवाल ने कह के SP को इनको ज़बरदस्ती मारे ऊपर रेड करवाई। ASI जगमीत सिंह इंचार्ज पुलिस पोस्ट मल्लिका कुत्ताबड़ में लगभग 8 बजे पूर्व सरपंच त्रिलोक सिंह को अरेस्ट करने के लिए आया था। त्रिलोक सिंह के खिलाफ सदर सरसाई के अंदर FIR नंबर 44/18 अंडर सेक्शन 409, 427, 428 दर्ज है। इस संबंध में उसके खिलाफ आरोप गुजरने के बाद, सबूत गुजरने के बाद उसे गिरफ्तार नहीं लिया जाएगा, उसने गिरफ्तार कर भी लिया था। इसी दौरान उसके परिवार वालों ने पुलिस पर हमला करके उसको छुड़वा लिया और पुलिस के साथ मारपीट की और पुलिस के ऊपर कुत्ता छोड़ा। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई और मेरे पास सूचना दी। इस सूचना पर मैं पहुंचा और सबको समझा बुझा कर मेरे साथ DSP डबवाले के पास ले गया और वहाँ दोनों पक्षों की बातचीत करवाई और उसके बाद उसका मेडिकल करवाया, उसके बाद थाने में वापस। जी, हमारे जो वकील साहब बलकार सिंह जी, इनके साथ जो पुलिस ने धक्का किया है उसके खिलाफ हमने कल नोवर्क रखेंगे जी, हम सभी वकीलों का, जो हमने रेजुलेशन डाल दिया है, और पुलिस से हम मिलने हैं। जो वकील के साथ धक्का हो जाए इनके साथ, जो उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। आगे फिर जैसे जैसे हमारी स्ट्रेटजी होगी वैसे वैसे कदम उठाते रहेंगे।